शिव जी बराते, हाँ जी हाँ ये शिव जी बराते। नमस्कार दोस्तों, आरके के मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हाँ मैं नेशनल हाईवे से सटे गांव शान रोड में, जहां पर राबी तबी के एडब्ल्यू ने यहां पर एक नोटिस जारी किया था 4 दिन पहले, जिसके चलते उन्होंने यहां पर जो खोखा और लोगों ने इंक्रोचमेंट की है नहर की ज़मीन पे, उसके चलते उन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिस पर उन्होंने लोगों को कहा था कि आप अपने यहाँ से खोखे उठाएं। इसी के चलते आज खोखा यूनियन छान रोड़िया ने आज यहाँ पर एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा समय दिया जाए जिसमें हम ये अपने खोखे उठा के या कहीं और शिफ्ट कर लें, या फिर हमें कोई दुकान किराए पर लेकर जिससे हमें कोई बेरोज़गार जो बेरोज़गारी है वो ना फैले। अभी इसी चर्चा पर बात करने के लिए हम चलते हैं गांव वालों से बात करेंगे। ने भी आने सारे दुकानदार खोखे बेचारे लाए दे, गरीब बंदे हे, ए ते एडब्ल्यू साले रावी तवी इरीगेशन चढ़वा लै, इतना नोटिस आए दे 48 घंटे का भी असी पुट्टो, और उन्हें गलत निशानदेही की है, कन्नै खोखे आले जिहड़े बड़े गरीब बंदे ने बेचारे इहे खोखे ते सारे अपने बच्चे बुच्चे पालदे ने, फीसां दिंदे ने स्कूल दीआं, बच्चे बेरोजगार हो जाणे, मिलीटेंसी वधी जाणी, इन्हें शराब का कम शुरू करना, 2 नंबर के कम करदे ने, आपू भी इन्हें नशे करने ने, और वेले बेरोजगारी बदनी है, बेरोजगारी का मतलब है तुहानू उहदे बाद जियां श्रीनगर च मिलीटेंसी आई है, इत्थे भी मिलीटेंसी होनी है, ये 100-150 सारा मकान पाइए खोखे पाइए बिच एक होई दी है, ठीक है। नहर का मैं अस तहसीलदार साहब कोल भी गए, उन्हें भी आखिया भी इन्हें कोई अच्छी जगह दी जाए, एक साइड पर जगह दी जाए, जाने साल 6 महीने का टाइम दिता जाए, अपनी दुकान दुकून का कुछ इंतजाम कर लैन, और नहीं तो इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंडा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंडा सहमत रहते कहना सारे गए, ये मार्केट बकरी है, इतना खुला रास्ता है, कोई इतना सर्विस नहीं चलती, कोई मैटाडोर नहीं चलती, कोई ट्रक नहीं चलता, कोई बस नहीं चलती, ये सिर्फ लोगों का अपना पिंडा का रास्ता है, ये वास्ते पिंड पूरे गै सहमत रहते खोखे वाले कहना भी नहीं पटाने चाहिए, ये कहना साढ़े पिंड की एक रौनक घटनी है, एक सब कुछ घटना और बेरोजगार होनी है, ये पास लोग सारे बैठे दे अपनी फरियाद करें DC साहब अगर SDM साहब कहना तहसीलदार मनीर अगर, ये मसला इनका, ये माता भैन धीं भैन भी आई दी बेचारियां इन्हें भी ए बच्चे बेरोजगार होई जाने सारे गए, ये भी बैठे हैं, कल भी बैठे थे, अज भी बैठे थे, ये मसला है, बाकी तुम आप विस्तार। सर आपको खोखे उठाने के लिए एक नोटिस आया था राबी तबी डिपार्टमेंट का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सरकार को? ये छानुड़िया गांव में आज से 3 दिन पहले राबी तबी वालों ने एक नोटिस जारी किया था, जो केनाल रोड पर जिनकी दुकानें हैं खोखे हैं उनको एक नोटिस जारी किया था कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपना ये सारा सामान उठा लें और जो जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको खाली करें। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक नासमझी वाली बात ये जाहिर होती है कि ये सिर्फ छानरुड़े वालों को ही क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि रावी तवी काफ़ी बड़ी एक कैनाल है और काफ़ी पुरानी है, बिना मेजरमेंट किए या बिना कोई एक स्कीम के तहत इसको देखना चाहिए कि यह नहर कहाँ से शुरू हो रही है और इंक्रोचमेंट जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, एक पर्टिकुलरली पिक एंड चूज एक गांव को ही क्यों इसका शिकार बनाया गया है, और साथ में ये जो गरीब लोग हैं बेचारे जो काफ़ी दिहाड़ीदार लोग हैं, पालन पोषण इनका यही है, दिहाड़ी लगाते हैं और करते हैं। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हम ये DC साहब से ये आग्रह करते हैं, ये जो लोग आज शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, हमारी ये मांग है कि DC साहब इस पर गौर करें, ताकि ये देखें कि ये जो नहर की जो कब्जा लोगों ने किया क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, जायज़ भी है या नाजायज़ वो बात की बात है, बात यह है कि एक पॉलिसी के तहत होनी चाहिए, यहाँ से ये नहर चल रही है वहाँ से ये शुरुआत करें, ताकि लोगों के अंदर जो एक गलतफहमी पैदा हुई है वो दूर हो जाए, और साथ ही साथ हम ये DC साहब से आग्रह करेंगे कि हम आपके इस फैसले के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, पर हमारी आपसे ये एक गुजारिश है कि ये जो लोग बेरोज़गार हुए हैं इनके लिए ये हमारे गांव के आसपास काफ़ी सरकारी लैंड है, काफ़ी कस्टोडी लैंड है, उनको ये यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, ताकि ये लोग वहाँ पे अपना कारोबार चला सकें, और जिस तरह ये बेचारे अपना परिवार पालते थे वे वहाँ पे कम से कम खोखा लगाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। मेरी मीटिंग है इसका मेन एजेंडा ये है भाई, रावी तवी का कोई AW है उत्थे 4 दिन पहले एक नोटिस लाई है भाई 48 घंटे अंदर इसे खाली किया जाए, 48 घंटे अंदर इसे खाली किया जाए, तो यह तकरीबन 95 जी लोग हैं वो असी फॉल करा दे हैं, वह मतलब 95 फैमिली जड़ियाँ बेरोजगार होनी है, अस नहीं चाहते कि डिसमेंटल किया जाए, इसी कम से कम 6 महीने या साल का टाइम दिता जाए, वो बाद देखा जाए फिर कि उन्हें सैटल करना कि नहीं करना।
ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ